एमपी में किसान एक बार फिर खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। हरदा में तो हालत इतने विषम हो गए हैं कि खाद न मिलने पर किसान आंदोलन करने का मन बना रहे हैं। हरदा जिले में गेहूं, चना और सरसों सहित रबी सीजन की बुवाई का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में किसानों के सामने डीएपी खाद की किल्लत खड़ी हो गई है। खाद बीज की दुकानों पर डीएपी खाद नहीं होने से किसान डीएपी खाद के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हरदा व खिड़किया में एमपी स्टेट एग्रो के गोदाम में डीएपी खाद की रैक बुलाई गई। किसानों को रैक की जानकारी मिलते ही वह सुबह 5 बजे से खाद के लिए लाइन लगाना शुरू हो गई थी। किसानों की भीड़ देखते हुए मौके पर पुलिस बल बुलाया गया और पुलिस की निगरानी में खाद वितरित किया गया। धनगामा के किसान मुकेश बिश्नोई ने बताया कि गोदाम में 955 बोरी की रैक लगी है और 400 से 500 किसानों की लाइन लगी है। ऐसे में किसानों को 2 से 5 बोरी खाद दिया जा रहा है। यदि ऐसा ही हाल रहा तो किसानों को एक बार फिर खाद के लिए आंदोलन करना होगा। खाद की स्थिति डीएपी की इतनी खराब है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कल रात से किसान लगे 8 बजे से, और डीएपी 955 बोरी आई है, 450 किसान लगे। ऐसे में डीएपी कहाँ कैसे मिलेगी किसानों को? एक किसानों को 5-5 बोरी डीएपी मिल रही है, पर्याप्त किसानों को डीएपी नहीं मिल रही। 4 दिन बाद किसान बोरी में लगेंगे, कैसे किसान पूरी पर्याप्त डीएपी लाएंगे? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कम से कम आज की स्थिति में 450 किसान यहाँ लगे, 955 बोरी है किसान से मांग। एक किसान को कम से कम 25 बोरी डीएपी दिए जाए, जो उनको पर्याप्त कुछ आधी तो आधी से भी कम डीएपी 25 बोरी मिलेगी तो किसान पर्याप्त बोनी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।